अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है। आज हम बात करेंगे CA125 एक ट्यूमर मार्कर है, आमतौर पे उन पेशेंट्स में जिनको ओवेरियन कैंसर होता है उसके अंदर ये ट्यूमर मार्कर जो होता है ये बढ़ जाता है। ये आमतौर पे वो ख्वातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ओवेरियन कैंसर होता है तो उनकी एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर भी इस ट्यूमर मार्कर को यूज़ किया जाता है CA125 को, या वो ख्वातीन जिनको ओवेरियन कैंसर हो चुका होता है उसके बाद उनकी सर्जरी होती है या उनकी कीमोथेरेपी होती है और उसके बाद उनकी रेडियोथेरेपी होती है और फिर रेडियोथेरेपी के बाद उनको उनकी कैंसर सर्वेलेंस प्रोग्राम्स में जाते हैं, यानी उनको फिर वो हर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद उनकी जो सर्वेलेंस मॉनिटरिंग होती है इसमें ये देखा जाता है कि क्या पेशेंट को दोबारा कोई कैंसर के सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं या कोई रिकरेंस तो नहीं हो रहा, तो दोबारा कैंसर तो नहीं हो रहा, जिसके अंदर CA125 जो है उनको दोबारा उनको रिपीट कराया जाता है। अब बहुत सारी ख्वातीन जो है हमारे पास आती हैं जिसके अंदर उनको एडिनोमायोसिस होता है या जिनको एंडोमेट्रियोसिस होते हैं और उनका CA125 जो होता है उसके अंदर रेज होता है, तो ये जो CA125 है ये कोई इज़ वेरी सेंसिटिव बट ये स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर नहीं होता जो सिर्फ ओवेरियन कैंसर ट्यूमर के लिए होता है। ये आमतौर पे जो है ये एडिनोमायोसिस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस के अंदर बाज़ औक़ात कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, बाज़ औक़ात कोई GI के ट्यूमर्स होते हैं, बाज़ औक़ात इवन दो ये और भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी रेज होते हैं, इवन दो फाइब्रॉइड्स के अंदर भी ये बाज़ औक़ात ये CA125 रेज होते हैं। तो जब जो हमारे पास जो जिस कैटेगरी के पेशेंट आते हैं जिसके अंदर एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स, उसमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको CA125 का रेज आता है और वो ये समझते हैं शायद इनको ये ओवेरियन कैंसर, तो ऐसा नहीं है। तो ये CA125 जो है आमतौर पर एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स में भी रेज आते हैं जब उनके हम ट्रीटमेंट करते हैं, और जब उनका CA125 लेवल नीचे जाता है इसका मतलब होता है कि CA125 जो है वो एसोसिएटेड है एडिनोमायोसिस से या एंडोमेट्रियोसिस से। तो ये ट्यूमर मार्कर इम्पॉर्टेंट है जो हमें डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दिस वन के जो ओवेरियन सर्वेलेंस प्रोग्राम ओवेरियन कैंसर सर्वेलेंस प्रोग्राम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बाज़ औक़ात नॉन स्पेसिफिक इश्यूज़ के साथ भी रेज आते हैं। तो ये एक नॉलेज है जो ख्वातीन को समझना चाहिए। शुक्रिया।